नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिया शर्मा। पीओके इंटरनेशनल रिफ्यूजीज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पिछले 27 डे से। आइए करते हैं इनसे बात की क्या डिमांड्स हैं इनकी। सर आपका नाम? मेरा नाम बीके दत्ता, जनरल सेक्रेटरी SOS इंटरनेशनल। सर आप पिछले 27 डे से धरना प्रदर्शन पे हैं, क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए 27 दिन हो गए हैं, हमारी 6 डिमांडिंग हैं, वो हर बार यही हम दोहराते रहते हैं। कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, संविधान के अंदर ही डिमांड्स हैं। एक तो ये डिमांड ये थी हमारी कि जो हमारा जो 2014 अक्टूबर में जो पैकेज पास किया था 2000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लिए किया, अभी तक सिर्फ 500 करोड़ ही नाम मात्र वह भी पूरा नहीं लोगों को मिल पाया है। 4.5 साल, अभी 5 साल कह सकते होने वाले हैं, तो ये 5 साल एक किस्त में लगा रहे हैं, तो बाकी किस्तें लगाने के लिए 100 साल और पूरा लगा देंगे। एक तो ये हम ये कहते कि हमारे जो पूरा जो 25 लाख का पैकेज है वो हमें पूरे का पूरा पैसा दिया जाए। दूसरा पॉइंट ये था, जैसे कश्मीरी जो विस्थापित हो कहते हैं विस्थापित होके आए हैं, जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे 13,000 रुपया चंदी मिल रही है महीने की, 2,000 रुपये का राशन मिल रहा है, 1,000 रुपये का मिट्टी का तेल, बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, मेडिकल फ्री जो है, और बच्चों को 12वीं पास करने के बाद प्रोफेशनल कॉलेज में उनको जो है उनको रिजर्वेशन जो मिल रही है, और नौकरियां उनके लिए, वो हमारे हमें क्यों नहीं सुविधाएं मिल रही हैं जो 47 से उजड़ के आए हुए हैं। हम तो कहते हैं ये विस्थापित कौन से होके आए, विस्थापित वो होता है जो दोबारा वापस नहीं जा सके कोई। हम सब कुछ अपना सर्वस्व वहाँ छोड़ के आए हैं, हम तो वहाँ LOC यह पर खड़ी है, हम पार नहीं जा सकते हैं। हम तो ये भी कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो भी वहाँ तक नहीं जा सकते। कश्मीर को बाहर नहीं है, अफगानिस्तान के पास नहीं, कश्मीर तो आज भी इनके पास है, जब चाहे पैदल जा सकते हैं, चल और अचल संपत्तियाँ वहाँ बेच सकते हैं। ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है, ना हमारा ये है तो हम ये कहते हैं कि जो एक 47 से उजड़ क्या है वो आज तक की गरीबी की गुरबत में चल रहे हैं यार, रोटी के लाले पड़े हैं। हमारे जितने भी रिफ्यूजी हैं, कोई ढाबे में नौकरी कर रहा है, कोई कलेक्ट्री कर रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारे जो डिमांड जो है, हमारे जो जो चंदी जो है वो 20,000 रुपये महीना की जाएगी, तो जायज़ है बिल्कुल, संविधान के अंदर है। तीसरा पॉइंट था जो हमारी 5300 फैमिलीज जो थी जो बाहर J&K से बाहर रह रही हैं, उन्होंने कहा था कि दोबारा इनको यहाँ लाएंगे, अब हम कहते हैं कि इस पैकेज में उनको भी यहाँ इनके साथ लाया जाए इनको। चौथा पॉइंट ये था कि ये जो हमारे जो आज पंडित जी कश्मीरी पंडित कहते हैं शारदा पीठ, इनको याद आ गई है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ आपको, शारदा पीठ के बारे में इनको कुछ सही मायने में पता नहीं है। शारदा पीठ जो है सूदन हिंदू सिख परिवार की ये पीठ है जो मुजफ्फराबाद में है, ये पीठ इनका कोई लेना देना उनके साथ है ही नहीं किसी के साथ, इनका कश्मीरियों का, इनका पहनावा नहीं, उनके कल्चर नहीं मिलता, पहनावा नहीं मिलता, खान पान नहीं मिलता है, इनको शारदा पीठ कैसे याद आ गई है। हम यह कहते हैं कि हमारे भी जो हैं धर्मस्थल हैं, मीरपुर में मंगला माता के मंदिर है जी, अली बेग गुरुद्वारा है, छठी बादशाही गुरुद्वारा जो मुजफ्फराबाद में है, और भी हमारे बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं, वो हमारे लिए कॉरिडोर वो भी तो खोलने चाहिए ना, ये इन्हीं की तरफ क्यों चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा ही चल रहा है जो हमारे इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करी जा रहे हैं। ये कहते हैं बेशक हमें कुछ ना दें, हम ये कहते हैं, लेकिन इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश ना करें, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। सर पिछले 27 दिनों से गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके पास आपकी पता करने आया? बिल्कुल नहीं आया पता करने के लिए। ये हमारे जितने भी विधायक और MP हैं, हमारे जो हमारे वेस्टर्न साइड के जो हमारे श्री सत्य शर्मा जी हैं, आज तो मैं नाम लूंगा उनका, जुगल किशोर जी हमारे जो MP हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे निर्मल सिंह जी भी रह चुके हैं, कविंदर गुप्ता जी भी स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी तक कोई सुध-बुध लेने के लिए आया? इनको क्या सांप सूंघ गया इनको, क्यों नहीं आते हैं ये हमारे सामने बात करें ना आके, कश्मीरियों के लिए बड़ी मीठी बातें करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आता, हमारे साथ हमारा दुख दर्द बांटे ना हमारे। उनको पता नहीं है रिफ्यूजी क्या है, सब पता है उनको, लेकिन ये पता नहीं मुझे क्या इनका प्रेशर है कि चुप क्यों बैठे हुए कश्मीरियों के लिए, ये पूरा इनके इनको घर जमाई बना के रखा हुआ है। मैं तो आज यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा इसके लिए। तो सर आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा?
ये हमारा आज धरना जो प्रदर्शन है, आज हमारा 27वां दिन है। आज यहाँ हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन आज खत्म कर रहे हैं हम। उसके बाद हम अपनी रणनीति और अपनाई जा रहे हैं। हमारा जो हम जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, हम जगह जगह अपने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हम 28 तारीख को पुंछ में जा रहे हैं वहाँ धरना करने के लिए, और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को भी हम मेमोरेंडम वहाँ देंगे। हम वहाँ से होते हुए रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, सियोट, जम्मू में भी, और जितने भी हैं सांबा, कठुआ, इवन बॉर्डर जितने भी हैं, जो बॉर्डर में हमारे रिफ्यूजी रहते हैं, हम वहाँ तक जाएंगे और बिल्कुल हम इनके साथ बायकॉट करेंगे। देखते हैं ये इलेक्शन कैसे जीतते हैं। तो हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लिंक नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी सुध तो लें आके, कि इनको शर्म आ रही है इनको हमारे साथ बात करने में। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पीओके रिफ्यूजीज जो अपने डिमांड्स को लेकर धरना प्रदर्शन पे है। ये आने वाला समय ही बताएगा इनकी डिमांड्स पूरी होती है कि नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट में। प्रिया शर्मा, अली पोस्ट, जम्मू।